नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है। राइस न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे संबल जिले के पवासा ब्लॉक की दतावली पंचायत, जहां से विजेंद्र सैनी बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार हैं। विजेंद्र सैनी की छवि क्षेत्र में एक बड़े समाजसेवी की है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के अनेकों काम करवाए हैं, जिसके चलते क्षेत्र के लोग उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। राइज न्यूज ने उनसे क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। राइज न्यूज की टीम अब आ पहुंची है विकासखंड पमासा के दतावली गांव में, और जिसमें हम अब बात करते हैं बीडीसी पद हेतु जो खड़े हुए हैं विजेंद्र जी, बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार है। और जीतने के बाद क्या विकास कार्य पर आपका ध्यान होगा? सबसे पहले फोकस ये रहेगा काम का सौंदर्यकरण और सफाई के मैच फोकस रहेगा, और जिसमें लाइटर की व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरीके से की जाएगी। पिछले समय में कुछ कमियां रही हैं, वो आप थोड़ा सा बताएं कि क्या कमियां हैं गांव में? हाँ, जिस तरीके से गांव में कुछ ऊपर से मतलब आया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो लाइट वगैरह ना मिल पाई, और भी थोड़ा सा कुछ सड़क वगैरह में ना मिल पाई, जिससे नालियों का नाली पानी निकास निकलने में दिक्कत आ रही है। और कुछ बस और कुछ बस यही है, बस में और ज़्यादा फोकस तो होगी। क्या लगता है आपको, आपकी बी डी सी पर जैसे जनता आपके साथ है? बीडीसी उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र की जनता विजेंद्र सैनी के विकास मंत्र को कितनी अहमियत देती है, ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो विजेंद्र सैनी को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। एराइज न्यूज के लिए रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम की रिपोर्ट।